एक करोड़ के डोडाचूरा से भरा टेम्पो पकड़ा, युवक गिरफ्तार। मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम को लेकर चल रहे राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक टेम्पो से 630 किलो डोडाचूरा पकड़ा है, जो बिना लाइसेंस के अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने डोडाचूरा के साथ भीलवाड़ा जिले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने टेम्पो भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो में मिले डोडाचूरा की बाजार कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा की है। चित्तौड़गढ़ SP सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम को लेकर रावत भाटा, ASP भगवत सिंह हिंगड़ व DSP बेंगू अंजलि सिंह के सुपरविजन में बेगू थाना प्रभारी हमीर लाल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम को लेकर थाना प्रभारी हमीर लाल के नेतृत्व में कांस्टेबल विजय मनोहर प्रकाश, बालकृष्ण व सीताराम सेमलपुरा से धामचा मार्ग पर नाकाबंदी की। तभी एक टेम्पो आया, मगर पुलिस को देखकर टेम्पो को पहले ही सड़क पर रोक दिया और चालक नीचे उतरकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा कर चालक को पकड़ लिया। फिर टेम्पो की तलाशी ली तो उसमें 31 काले प्लास्टिक के कट्टों में भरा 630 किलो डोडाचूरा मिला। इस पर पुलिस ने भीलवाड़ा जिले के बनकाखेड़ा बड़लियास निवासी 40 वर्षीय जगदीश चंद्र पुत्र बालू जाट को गिरफ्तार कर लिया। टेम्पो के साथ ही डोडाचूरा को जब्त कर लिया है। साथ ही डोडाचूरा कहां से लाया और आगे कहां ले जा रहा था, इसके बारे में पुलिस द्वारा आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि तस्कर के बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। इसके तहत पुलिस अब आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेगी और उसके बाद इस पूरे प्रकरण को लेकर अग्रिम कार्रवाई व जाँच की जाएगी।